अंशु बाबा 3 साल का बाबा बालक है जो ग्राम पिपलिया कला की ओर से 51 रुपये की राशि भेंट कर रहा है। क्या बात है कि लाडले बेटे का प्यार मुझ पर बना रहे। हेलो बोल जगदा मेरी मैया कर रहे अपनी अपनी बड़ाई लड़ाई लड़ाई सब कर रहे अपनी बड़ाई देखना देखना लड़ने से पहले मेरी चढ़ाई कितने की मुंडी धरती में दुशासन का इंतजार था। भीम बलवान को प्रतिज्ञा पूरी करना है, द्रौपदी के केश दुशासन के लहू से धुलना है, तो देखिए क्या होता है। तो देखिए जब देखा भीम ने दुशासन को ये महाभारत का दौर है, ये महाभारत का दौर है और देखना है आज कौन कमजोर है। क्योंकि भैया जोश तो तभी आ जाता है क्योंकि जिसका आयोजक ही शिव राठौर है। देखिए कहना है सांस भरता है देख के भगता है प्राण ले लूंगा चुंगा
चरण में आने के बाद नहीं बचता है। भीम ने कहा दुशासन अब कोई उपाय नहीं है, ये रे तेरे ना ओ जिंदा छोड़ू ना तुझे खाई कसम, ओ जिंदा छोड़ू ना तुझे खाई कसम, अरे आज तेरा नाम, आज तेरा नाम मैं करूंगा खत्म, आज तेरा नाम मैं करूंगा खत्म, आज तेरा नाम मैं करूंगा खत्म, आज तेरा नाम मैं करूंगा खत्म। ओ पायल थोड़ा बड़ा इसको, हेलो बेस कमारा बेस, हेलो हो जिंदा छोड़ू बिल्कुल भैया 21 रुपए का भैया की ओर से कहना है। अरे भैया वहां से हटो, हटो भाई इधर आओ नीचे आओ, हो जिंदा छोड़ तुझे आज तेरा नाम मैं करूंगा खत्म, आज तेरा नाम दुशासन। और हमने मौका दिया तुमने धोखा दिया, दूध माता का तुमने लगाए दिया, दूध माता का तुमने लगाए दिया, दूध ने कहा खड़ा हूं तेरे सामने, खड़ा हूं तेरा काल है, मुझे देखकर तेरा कहूँ ये बुरा हाल है, आज तेरा नाम मैं करूंगा खत्म, 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 हो जिंदा छोड़ ना तुझे आज तेरा नाम मैं करूंगा खत्म, आज तेरा नाम मैं करूंगा खत्म, आज तेरा नाम मैं करूंगा खत्म। भीम ने घेर लिया, रिटर्न वाले को बड़ा हेलो, हेलो थोड़ा इको बड़ा दिया, हेलो 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 क्या होता है मैंने में कहा दुशासन बहुत बेईमानी करी, बहुत मनमानी करी, लेकिन अब कोई चलने वाली नहीं है।
और यहाँ जान बचने वाली नहीं है। कहा है जंग के मैदान में आया मेरे सामने और जिस जिसने भी मुझे धोखा दिया एक सौ एक राशि भैया तिंचे वाले हमारे बड़े साहब की ओर से और नहीं छोड़ा उसे मार दिया 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 ओ जग के दान में ओ जग के दान में ओ आए तो मेरे सामने आया तो मेरे सामने जिसने भी हमें धोखा दिया नहीं छोड़ा उसे मार दिया ओ नहीं छोड़ा उसे मार दिया बजरंग मंडल बढ़िया आपकी ओर से भी 100 रुपए की राशि और ये नोटों की बरसात और भैया की ओर से 100 रुपए की राशि सभी दान दादा के लिए बहुत बहुत साधुवाद नहीं छोड़ा उसे मार अमन अमन क्या बात है अमन भैया ढोल पार्टी आपकी ओर से भी 151 रुपए राशि नहीं छोड़ा उसे मार दिया ओ नहीं छोड़ा उसे मार दिया नहीं छोड़ा उसे मार दिया नहीं छोड़ा उसे मार दिया और देखिए इस प्रकार से आज भीम टूटे हैं भूखे सिंहों की तरह गर्जना करते हुए कहा दुशासन और कोई उपाय हो तो कर लेना मैं छोड़ने वाला नहीं हूं हेलो अभी अभी इस विराट इनामी भजन मंडली प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश वीर तेजा जी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सम्मानी लक्ष्मी नारायण जी गोरा हमारे बीच पधार चुके हैं इस विराट इनामी भजन मंडली प्रतियोगिता में सम्मानी अतिथि वीर तेजा जी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सम्मानी लक्ष्मी नारायण जी गोरा वह हमारे बीच मैं आदरणीय भाई साहब से आग्रह करूंगा मंच पर अपना इस विराट डोल 11 पर्व के अवसर पर आयोजित इस विराट इनामी भजन मंडली प्रतियोगिता में हमारे बीच मंचासीन अतिथि सम्मानी लक्ष्मी नारायण जी गोरा अध्यक्ष वीर तेजा जी कल्याण बोर्ड हमारे बीच पधारे
हिमांशु जैसा शुरू में था बेसिक वाला, बेसिक बटन कर दो ना, नहीं बटन का देख रहे सेटिंग बेसिक। हेलो और भैया दुशासन भी आज थोड़ा बहुत जोश भरता है। भीम ने कहा चाहे लाख कोशिश कर ले, संग्राम डट के कर ले, पड़े आज मरना तुझको, पड़े आज हर बचने का कर ले उपाय, हाय बचने का कर ले उपाय, उपाय क्या सबर कर ले, बचने का कर ले उपाय, उपाय क्या सबर कर ले, सम्मानी आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी भाई साहब पधार चुके हैं आज के इस विराट इनामी भजन मंडली प्रतियोगिता कार्यक्रम के सम्मानी मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी भाई साहब, विश्व हिंदू परिषद माननीय प्रांत संगठन मंत्री हमारे बीच पधारे। हेलो, हमारे बीच विश्व हिंदू परिषद के माननीय संगठन प्रांत संगठन मंत्री आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी भाई साहब आज के इस विराट इनामी भजन मंडली प्रतियोगिता कार्यक्रम के सम्मानी मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता हमारे बीच पधार चुके हैं। उन्हीं के साथ वीर तेजर जी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष, सम्मानी लक्ष्मी नारायण जी गोरा कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन, वह भी हमारे बीच। उन्हीं के साथ विश्व हिंदू परिषद के जिले के अध्यक्ष सम्मानी डॉक्टर सुभाष दुबे जी, जिले के मंत्री सम्मानी चेतन सिंह जी राजपूत, जिले के उपाध्यक्ष सम्मानी पृथ्वी सिंह जी राजपूत, जिले के संयोजक नितिन मेस्कर जी, में सनुपिया आइए दीपक पटेल जी, सम्मानी संदीप यदवंशी जी, बड़ा ही सौभाग्य का विषय डोल ग्यारस पर्व के अवसर पर
आयोजित इस विराट इनामी भजन मंडली प्रतियोगिता कार्यक्रम में अभी अभी हम पधारे हमारे सम्मानीय अतिथि सम्मानित सुरेंद्र सिंह जी भाई साहब, प्रांत संगठन मंत्री बीस बिंदु परिषद, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, साथ ही सम्मानीय मुख्य अतिथि वीर तेजा जी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन, मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी गोरा, वह भी हमारे बीच में। आयोजन समिति से आग्रह करूंगा कि हमारे मंचा सिंह भैया जयसवाल महासभा के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय दिलीप जयसवाल जी भी हमारे बीच में। आयोजन समिति के स्वरूप सिंह जी यदवंशी, उनसे आग्रह करूंगा कि भाई आदरणीय भाई साहब सुरेंद्र सिंह जी भाई साहब का पुष्पमाला से अभिनंदन करें। उन्हीं के साथ जिले के धर्म यात्रा महासंघ प्रमुख राजू राय जी, उनसे भी आग्रह करूंगा। सम्मानी लक्ष्मी नारायण जी गोरा जी भाई साहब, उनका पुष्पमाला से अभिनंदन करें। बजरंग दल के नगर संयोजक भूरू भगन जी भाई भी आए और आदरणीय भाई साहब का पुष्पमाला से अभिनंदन करें। मंगल सिंह जी राजपूत भाई भी आए और आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी भाई साहब का पुष्पमाला से अभिनंदन करें। नरेंद्र योगी जी वह भी आए और हमारे जिले के अध्यक्ष सम्मानी डॉक्टर सुभाष दुबे जी का पुष्पमाला से अभिनंदन करें। सुशील गोहर जी वह भी आए और जिले के मंत्री सम्मानी चेतन सिंह जी राजपूत का पुष्पमाला से अभिनंदन करें। सुशील शर्मा जी, उनसे भी आग्रह करूंगा कि आदरणीय भाई साहब सुरेंद्र सिंह जी भाई साहब का पुष्पमाला से अभिनंदन करें। सनू भैया से पुनः आग्रह करूंगा, आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी गोरा कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन, उनका पुष्पमाला से अभिनंदन करें। भूरू भगन जी एक बार पुनः आए और सम्मानी आदरणीय भाई साहब अतिथियों का पुष्पमाला से अभिनंदन करें। सुमित सराठे जी वह भी आए और आदरणीय हमारे सम्मानी मंचासीन अतिथियों का पुष्पमाला से अभिनंदन करें। साथ में संदीप भैया हैं, वो यदवंशी जी और बदर जी टार्ची की टीम है, उनका भी कर दें सभी का। अनुरुद्ध चंसूरिया जी भी हमारे बीच, डोल ग्यारस पर्व के अवसर पर निरंतर बीस बिंदु परिषद जागृत हिंदू संस्कृति रक्षक मंच द्वारा आयोजित यह 19वां वर्ष इस आयोजन समिति का और निरंतर यह कार्यक्रम कल रात्रि के 8 बजे से प्रारंभ हुआ। आज यह कार्यक्रम हमारे बीच अभी अभी आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी भाई साहब पधारे, मैं उनसे आग्रह करूंगा जन समुदाय को डोल ग्यारस पर्व की शुभकामनाओं के माध्यम से हम सभी को संबोधित। बोलो भारत माता की। बहुत धीरी आवाज है। हम ढोल ग्यारस के इस अवसर पर हम लोग सब लोग पधारे हैं और हमारी आवाज भगवान विष्णु के चरणों तक जाने चाहिए। जिस प्रकार एक बार फिर से बोलेंगे, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जागृत हिंदू संस्कृति रक्षक मंच के द्वारा यह ढोल ग्यारस का कार्यक्रम यहां रखा हुआ है। हमारे मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि गण एवं गांव गांव से पधारे हुए ऐसे राम भक्त, और यहां पर एक आयोजन भी हो रहा है भजन मंडली के साथ, हम कैसे जो है समाज को जो है संगठित कर सकते हैं। इस ढोल ग्यारस के अवसर पर भगवान भी जो है करवट लेते हैं, और करवट लेते हैं तो सभी लोग जो है दर्शन करने के लिए, भगवान के जो है विष्णु भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। इसी प्रकार करवट जो है भारत भी करवट ले रहा है, और भारत भी एक जो है नई दिशा की ओर जो है अग्रसर हो रहा है। लेकिन भारत को आगे बढ़ाने में हमकी सबकी भूमिका है। इस भारत को जो है उच्च शिखर पर पहुंचाने वाले
हम सभी राम भक्त हैं, उसका एक छोटा सा उदाहरण है। भगवान रामलला का मंदिर ऐसे आताताइयों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद वो मंदिर को जो है हमसे छीन लिया था। लेकिन हिंदू समाज की जब जागृत अवस्था में आया और उन्होंने संघर्ष किया और पूरे देश भर से एक जो है संतों ने जो हुंकार भरी और उस हुंकार के कारण पूरा हिंदू समाज एक धारा में बह पड़ा और निकल चला अयोध्या की ओर। अयोध्या में जो सरकार थी, उत्तर प्रदेश सरकार थी, मुलायम सिंह की सरकार थी, उसने कह दिया था कोई भी राम भक्त जो है अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन राम भक्तों ने संकल्प ले लिया और संकल्प में किसी प्रकार का विकल्प नहीं, कोई केरल से, कोई पंजाब से, कोई उड़ीसा से, कोई तमिलनाडु से, ऐसे ऐसे स्थानों से लोगों को जो है जत्था का जत्था चल पड़ा। कहां भोजन मिलेगा, कहां सोने को मिलेगा, इसकी चिंता नहीं की। भगवान राम के लिए जो है सतत जो है अपने घर से जो है अपने बड़ों के पैर पड़ के जो है निकल पड़े और चलते चलते जो तारीख तय हुई थी कि 90 की कार सेवा में जो है हम सब लोगों को मिलकर 30 अक्टूबर को योजना बनी और 3 नवंबर को जो है हमको जो है वहां कार सेवा करना है अयोध्या में। लेकिन वहां की जो सरकार थी उस सरकार ने निर्णय किया कि यहां पर जो है एक भी राम भक्त प्रवेश नहीं करेगा। वहां पर जो ब्रिज था, पुल थे, पुल पे जो है कांटे बिछा दिए गए, नौकाएं पलटा दी गई, अयोध्या के चारों तरफ जो है खाइयां खोद दी गई। और जैसे ही जो है 3 नवंबर की बारी आती है, 3 नवंबर आता है, अशोक सिंघल जी एक ध्वज लेकर निकलते हैं और जय जय श्री राम का घोष करते हैं। उस घोष के साथ ऐसी राम भक्तों का जो है जत्था का जत्था निकल पड़ता है, एक बाढ़ की तरह निकल पड़ता है। और जय जय श्री राम का उद्घोष के साथ जो है जो गुम्बद था खड़ा हुआ था उस गुम्बद की ओर आगे बढ़ता है। वहां जो सरकार थी उस सरकार ने जो है गोलियां चलवाई, जिस प्रकार की जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी अमृतसर में, उसी प्रकार का परिदृश्य जो है वहां पर दिखाई दिया। लेकिन गोलियां चल रही थी, हमारे राम भक्त जो है पीछे नहीं हटे और राम भक्त जो है सतत जो आगे बढ़ते गए। और राम भक्तों ने जितने राम भक्त थे उन्होंने जो है सबने जो है सीने में गोलियां खाई, कोई भागा नहीं, कोई कायर नहीं था। ऐसा हमारा हिंदू समाज है और हिंदू समाज ने संकल्प ले लिया, उस संकल्प को लेकर निकल पड़े। अयोध्या पूरी लाल हो गई, सरयू मैया लाल हो गई और अंत में जो है एक परिवार के दो यहां से युवा ऊपर पहुंचते हैं और ध्वज फहराते हैं और ध्वज फहराने के बाद भगवा ध्वज फहराते हैं, उनको भी गोलियां लगती हैं और वो नीचे जाने के गिर पड़ते हैं। जब जो है यह दृश्य समाप्त होता है हमारे कार्यकर्ता उस परिवार में मिलने के लिए जाते हैं। एक का नाम रहता है राम कोठारी और एक का नाम रहता है शरद कोठारी। हमारे अधिकारी जब मिलने के लिए जाते हैं और उस माँ से कहते हैं कि माता जी हमको बहुत दुख हो रहा है, तो वो माँ बोलती है कि मेरे दोनों बेटे जो है भगवान राम के लिए समर्पित हो गए, अब मेरा जो है कार सेवा करने के लिए मेरा तीसरा बेटा तैयार हो रहा है। ऐसा परिदृश्य जो है उस समय दिखाई दिया और उस माँ का हृदय देखिए भगवान राम के लिए, और राम ने जो है राम के लिए अपने आप को जो है सब कुछ समर्पित कर दिया। फिर निर्णय लिया कि आने वाले समय में हमको जो है कलंक लगा हुआ है उस कलंक को जो है ध्वस्त करना है। और 92 की कार सेवा 6 दिसंबर 92 की कार सेवा हुई और फिर से हिंदू समाज ने हुंकार भरी और हुंकार भरने के बाद वो जो कलंक लगा हुआ था उस कलंक को जो है ध्वस्त कर दिया। ऐसे हमारे राम भक्त थे और राम के काम में हम सभी लोग लगे हुए हैं, हम लोग सब विष्णु के काम में लगे हुए हैं, हम लोग जो है इस देश को जो है आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो है देश को जो है संगठित कैसे रख सकते हैं, कोई भी आताताई जो है हमारे देश पर जो है आक्रमण ना कर सके, कोई भी हमारे मोहल्ले में, कोई गली में, हमारे शहर में कोई भी आकर आक्रमण ना कर सके। इसलिए जो है हमको क्या करना है, ये भजन मंडली के माध्यम से गांव-गांव जाकर हमको जो है ऐसी जो है एकता का जो है परिचय देना है।
अगर एकता का परिचय देंगे तो पूरा हिंदू समाज जो है संगठित रहेगा, गांव संगठित रहेगा, हमारा घर सुरक्षित रहेगा। अगर घर सुरक्षित रहेगा तो धीरे धीरे करके जो है देश आगे बढ़ेगा, और देश को आगे बढ़ाने आप जैसे जो है युवा यहाँ पर बैठे हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम। हेलो, अब हमारे आज के सम्मानी मुख्य अतिथि लक्ष्मी नारायण जी गोरा कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश सांसद, उनसे भी आग्रह करूंगा कि भाई ढोल ग्यारस पर्व की शुभकामनाओं के माध्यम से अपना संदेश व्यक्त करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम। आज बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जागृति हिंदू संस्कृति मंच के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पधारे सम्मानित सुरेंद्र सिंह भाई साहब, जिला अध्यक्ष जी दिलीप जायसवाल जी एवं सम्मानित मंच और युवा साथियों। भाई साहब ने जैसे सुनाया है कि हमने कलंकित होने का काम किया है, और अब जो कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड बनाकर जो 40 धाराएं जोड़ी है उनको खत्म करने का समय है, और आप लोगों को जो एक मेल आईडी नंबर चल रहा है उस पर मेल करके उसका समर्थन करना है। और आज जो ये सांस्कृतिक मंच इन्होंने रखा है भजन मंडली का, ये एक देश को दिशा देने का काम करते हैं, ये सनातन को जिंदा रखने का काम करते हैं, ये हमारी संस्कृति को चित्रण कर देते हैं अपने भजनों के माध्यम से। जब संस्कृति चित्रण होती है कि महाभारत में क्या हुआ, रामायण में क्या हुआ, पूरा भजन के माध्यम से चरितार्थ करते हैं। जब हम सब इसमें लगे हैं तो अब ये सनातन की बात है, और हम सबको सनातन के लिए मेल करके उस वक्फ बोर्ड के कानून में जो गलत धाराएं उनको हटाई जाए, इसके समर्थन में सबको सहयोग करना है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज 4 बजे इसी मंच से ग्वालियर चरवाहों का व श्री रामायण मंडलों के संचालकों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम भी आयोजित था। सम्मानीय अतिथि लेट हुए, इससे पूर्व अतिथियों द्वारा आज का जो विशेष प्रतिभा सम्मान समारोह में क्षेत्र के ग्वाले और श्री रामायण मंडलों का सम्मान समारोह इसी मंच से किया गया था। हेलो, हमारे साथ सम्मानीय जिले के प्रचार प्रसार प्रमुख अनूप तिवारी जी, सुरेश शर्मा जी, दीपक पटेल जी वह भी पधारे, उनका आत्मीय अभिनंदन। हेलो हेलो हेलो, तो सभी सम्मान्य अतिथि का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, परम सम्मान्य सुरेंद्र सिंह जी, परम सम्मान्य श्री लक्ष्मीनारायण जी गोरा जी, परम सम्मान्य श्री डॉक्टर सुभाष जी दुबे जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे शिव भैया राठौर साहब का कहना है। हेलो हेलो हेलो, हमारे बीच आज के सम्मान्य अतिथि दिनेश साहू जी, साथ ही जिनके द्वारा इस प्रतियोगिता में सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया, उन्हीं के साथ सम्मानी भूरा रघुवंशी जी, राजा बाबू रघुवंशी, भूरा रघुवंशी जी भाई भी पधारे, उनके द्वारा भी मिलकर एक सांत्वना पुरस्कार में आयोजन समिति के राजू राय जी स्वरूप भैया से निवेदन करूंगा, दोनों का पुष्पमाला से अभिनंदन करें। हेलो, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और स्वागत के लिए 2 लाइन। हेलो, इसके बाद हमारे अगर मंडल यहाँ पर आ गए हैं। आपके आ जाने से सभी अतिथि के लिए सम्मान में 2 लाइन सभी ध्यान देंगे। आपके आ जाने से बढ़ गया मान हमारा, आपके आ जाने से बढ़ गया मान हमारा। स्वागत वंदन अभिनंदन श्रीमान जी तुम्हारा, श्रीमान तुम्हारा, स्वागत वंदन अभिनंदन श्रीमान।
और इसी बात पर हमारे परम सम्मानी ईश्वर भैया चौहान साहब भीमगांव वाले की ओर से 200 रुपए की राशि प्रदान हुई है और यूट्यूब के माध्यम से राशि आई है और रामायण मंडल अवड़े बापू आपकी ओर से 100 रुपए की राशि, दीपक भैया सरयाम आपकी ओर से 200 रुपए की राशि प्रदान हुई है। आप पधारे आज यहाँ पर, आप पधारे आज यहाँ पर, प्यारा लगे नजारा, स्वागत बंदन अभिनंदन श्रीमान जी तुम्हारा, श्रीमान जी बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति। अब मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री शिव ज्योति सरगम मंडल तिलाड़िया, मंडल को तो पारितोषक राशि प्राप्त